नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल के प्रिंसिपल एलएस बंसल ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो एक दूसरे के प्रति पुराने समय में रहा करती थी। मैं लक्ष्मण सिंह बंसल, प्रिंसिपल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल से हूँ। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको सुधारने के लिए हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चों के लिए हमें जो पाठ्य पुस्तक का बोझ है वो कम करना होगा। सिर्फ हमें 3 सब्जेक्ट तक इनको रखना है सीमित। नंबर एक, सबसे पहले उनकी मातृभाषा जो कि हमारे हरियाणा में हिंदी है, दूसरा मैथमेटिक्स, गणित और तीसरा अंग्रेजी इनिशियल लेवल पर। सर, नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? एक चीज और जरूर कहूँगा मैं शिक्षा के संदर्भ में, बहुत छोटी सी, कि जो हमने ये कर रखा है हमने सबको पास करना है उसको हमने पॉलिसी बदलना होगा। जब तक बच्चे इनिशियल स्टेज पर अपने को नहीं सुधार लेते हम शिक्षा के स्तर को नहीं सुधार सकते। जहाँ तक नैतिक मूल्यों के गिरावट की जिम्मेदार है उसमें समाज, सरकार और प्रेस तीनों जिम्मेदार हैं। हम ऐसी चीज़ें समाज के सामने, बच्चों के सामने, जो छोटे बच्चे उनके सामने परोस रहे हैं जो कि उनके नैतिक मूल्यों को गिरावट के लिए जिम्मेदार है, और उसमें भी जो हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उस पर हमारा ज़्यादा जोर है। हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की ओर हम बच्चों को नहीं सिखा रहे कि हमें भारतीय सभ्यता में जो मेन पेरेंट्स को और बड़े लोगों कैसे हमें उनका आदर करना है उस पर हमें सबसे पहले जिम्मेदारी से काम करना होगा। सर, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? जहाँ तक यौन शिक्षा की बात है वो पाठ्यक्रम में डायरेक्ट वे में शामिल ना करके उसे इनडायरेक्ट वे में शामिल किया जाए, और वो भी हम 9th से 9th-10th से साल शुरू करें, जिससे कि वो सीधा ना करें, जिससे कि बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? हाँ, इस बात में मैं अधिक पूरी तरह कुछ आंशिक रूप से सहमत हूँ कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एक पॉलिसी बनाई जाए, एक यूनिवर्सल पॉलिसी ना, मतलब कम से कम स्टेट लेवल पॉलिसी बन जाए कि हम प्राइमरी में ये फीस रखेंगे,
हाई स्कूल में ये रखेंगे और प्लस टू में ये रखेंगे, जिससे कि आम आदमी भी अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा ले सके। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या रियल में गरीब है, कागजों में गरीब नहीं चाहिए हमें, रियल में जो गरीब है तो उनको हमें कंसेशन देकर के प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हर आदमी को, हर गरीब बच्चा पढ़ सके।